यानी धोखा देकर बर्बाद करने वाली कंपनी, ऐसा ही आप सोच रहे होंगे और यही सोच मेरी भी थी। फिर मेरे बॉस ने कहा, आकाश क्या हम लोगों की यह सोच नहीं बदल सकते? यस, मैंने यकीन किया और इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं और मेरी BMW वहां खड़ी है। लेकिन यकीन यहीं खत्म नहीं हुआ, अब मुझे आइलैंड खरीदना है, वहां एक महल बनाना है जिसमें 600 लोग मेरे लिए काम करेंगे, मेरे आने जाने के लिए खास रनवे होगा। गरीब के पास कुछ नहीं, मैं आज अमीर हूं लेकिन मैं भी कभी गरीब हुआ करता था, लेकिन मैं हर बार सिर्फ अमीर बनने के बारे में ही सोचता था। अमीर आदमी परेशानी में भी खुश होता है क्योंकि उसके पास पैसा। जो लोग मेरी तरह सोचते हैं वो यहां रुक सकते हैं, बाकी सब जा सकते हैं, निकल जाइए यहां से। लेकिन जाने से पहले अपने बगल में बैठे आदमी का चेहरा याद रखिए, एक दिन वो अपनी बेंज या BMW में आपके पास आकर कहेगा हाय। याद है हम साथ बैठे थे, तब आपको जलन होगी। आपको जलन होगी या नहीं? आप पूरे महीने जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी कुछ हाथ नहीं आता। गोल्ड वे इज द ओनली वे। आपकी गर्लफ्रेंड आपके पड़ोसी के साथ भाग जाएगी क्योंकि आपने उसे बर्थडे का गिफ्ट नहीं दिया। गोल्ड वे इज द ओनली वे। अगर बैंक का आदमी आकर आपकी बाइक लेकर जाएगा तो क्या करेंगे? गोल्ड वे इज द ओनली वे। ये पैसा जो आप आज MLM स्कीम में लगा रहे हैं, कल ये आपके कदमों में बिछा होगा। फिर आपको फैसला करना है, एक एक करके नोट उठाने हैं या बाल्टियों में भरने हैं। इंडिया में हर चीज के लिए लाइन लगती है, या तो लाइन में लग जाओ या अपने सामने लोगों की लाइन लगाओ। लोगों की लाइन लगा देंगे, सबको सामने लगा देंगे। परेशानियों से बचने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा, पैसा, yes, पैसा। That's the spirit. That's the spirit. प्लैटिनम अश्विन और डायमंड अजय। जिंदगी में कभी कभी बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में हम छोटी शुरुआत भी नहीं करते हैं, लेकिन मायने ये रखता है कि आप शुरुआत करें चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि जब भी आप किसी काम की छोटे रूप से शुरुआत करते हैं तो आगे चल के वो बड़ा हो ही जाता है आपकी मेहनत से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी भी काम को शुरू तो करें, सोचने से अच्छा शुरुआत करें। दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का, जस्ट प्रूव इट। अवेक, अराइज़।